शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन लगाया जाता है और यह निःशुल्क नवजात और 1 से 5 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। आइए सुनाते हैं बाल शिशु रोग विभाग के डॉक्टर कुमार भृत ने स्वर्ण प्राशन के बारे में क्या जानकारी दी है। आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन लगाया जाता है और ये निःशुल्क 1 से 5 साल तक के बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, साथ ही साथ ये बच्चों का जो IQ लेवल है उसको भी बढ़ाता है। बच्चे जो है स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छा रहेगा साथ ही साथ उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। आयुर्वेद में स्वर्ण को जो है श्रेष्ठ बुद्धि कारक माना गया और स्वर्ण प्राशन के लिए बोला गया है कि आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधिर्विघ्नगच्छते षड्वी मासे शुद्ध स्वर्ण प्राशनाद् भवेत्। अर्थात यदि ये 6 मास तक बच्चों को लगातार पिलाया जाता है तो ऐसे स्वर्ण प्राशन के पश्चात जो बच्चे होते हैं वो सुनी हुई बातों को भी हमेशा अपनी पूरी जिंदगी याद रखते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही अभी तक लगभग 110 बच्चों को पिलाया जा चुका है और नगर के जितने भी प्रबुद्ध निवासी हैं उनसे एक आग्रह है कि ये प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाया जाता है। अगले माह 21 नवंबर को इस शिविर का आयोजन यही बाल रोग विभाग में कराया जाएगा। तो आप सब अपने जितने भी नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको लेकर आए और इसका लाभ उठाएं। नाम बताइए। डॉक्टर लोकेश, विभागाध्यक्ष